हेलो दोस्तों, गांव की रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूं बंदा और आलू की सब्जी। तो मैं यहां पर बहुत ही कम मसालों में और बिना प्याज लहसुन के ही सब्जी बनाऊंगी। तो हमने यहां पर आलू ले लिए और इन्हें काट लेंगे। इसके बाद हमने देखिए यहां पर बंदा को भी महीन काट लिया है बारीक। तो इसके बाद हमने यहाँ पर आलू भी काट लिए, इन सभी को हम धुल लेंगे। आलू को भी हम धुल लेंगे, बंधा हमें पहले ही धुल कर काटना है। और हमने यहाँ पर हरी मिर्च और टमाटर लिया है, आप स्वाद अनुसार हरी मिर्च लेंगे। हमने यहाँ पर ज़्यादा मिर्च लिए। और हम अब कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जीरा डाल देंगे और जीरा को हल्का भून लेंगे। इसके बाद हम हरी मिर्च डालेंगे और हरी मिर्च को भी अच्छे से पका लेंगे। हटाओ। हम यहाँ पर टमाटर भी डाल देंगे और टमाटर को भी हम अच्छे से पका लेंगे। तो हम टमाटर को अच्छे से पकाएंगे। तो इसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे और हल्दी डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हरी पीसी हुई धनिया और थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल लेंगे और हम मसाले को अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें जो आलू है वो डाल देंगे। आलू डालने के बाद हम ये गवर लेते हैं। तो इसके बाद हम इसमें वो जो बंधा है वो भी डाल देंगे। हम सारे बंधे को डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसमें नमक भी डाल देते हैं। हम नमक यहाँ सब्जी में डाल रहे हैं, आप मसाले में भी नमक डाल सकते हैं। तो नमक डालने के बाद हम नमक को अच्छे से सब्जी में गबड़ लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर अब हम इसमें प्लेट बंद कर सब्जी को अच्छे से पका लेंगे और हमें बीच में सब्जी चलाते रहना है। तो हम 10-15 मिनट सब्जी को पकाएंगे, इसके बाद हम फिर इसे चला देते हैं। तो देखिए हमारी सब्जी पकने लगी है और हम इसे अच्छे से चलाएंगे।
अब हम फिर से प्लेट बंद कर देते हैं। अभी हमारी आलू पकी नहीं है तो हम 5 मिनट तक और पकाएंगे। इसके बाद हम देखिए हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है और हम इसे अच्छे से कलार लेते हैं। तो हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है, देखिए कितने अच्छे से बनी हुई है। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय बाय।